खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुए दंगों में शामिल सेवानिवृत्त एएसआई की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार अत्रे ने बताया कि रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद दंगों में स्वयं के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। खरगोन दंगों में जो 10 तारीख को हुए थे, 10 अप्रैल को, उन दंगों में शामिल एक अपराधी नासिर अहमद ने अपना जमानत का आवेदन लगाया था। उसने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। वो पुलिस डिपार्टमेंट से एएसआई के पद से रिटायर्ड हुआ था, और ऐसे अपराधी को अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो ये खुलम खुल्ला जो है वो न्याय का मुंह बंद करने वाली बात होती है। चूँकि समाज के प्रति गंभीर श्रेणी का अपराध था, और जितने भी अपराध इस तरीके के होते हैं ऐसे मामलों में अपराधी चाहे जो अपना आपत्ति दर्ज कराए, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में जो मिला है उसे झुठलाया नहीं जा सकता।